पिछोरी टेकरी सरकार हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर पिछले 27 वर्षों से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है एवं अखंड ज्योत भी 27 वर्षों से जल रही है। टेकरी सरकार हनुमान मंदिर पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है, टेकरी सरकार हनुमान जी सरकार उसे भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर समिति द्वारा हर वर्ष विशाल कन्या भोज का आयोजन कराया जाता है। कन्या भोज में हर वर्ष एक गाँव बढ़ाया जाता है। इस तरह मंदिर समिति द्वारा इस वर्ष अखंड रामायण पाठ एवं अखंड ज्योत के 27 वर्ष पूर्ण होने पर 27 गांव की कन्याओं का विशाल भंडारा कराया गया। मंदिर समिति के सदस्य रामेश्वर दयाल पाठक ने बताया कि इस वर्ष 27 गांव की कन्याओं को मंदिर प्रांगण में भोजन कराया गया। कन्या भोज से पहले कन्याओं का तिलक लगाकर पूजन किया गया और कन्याओं को विधिवत भोजन कराया गया एवं कन्याओं के पैर छूकर दक्षिणा दी गई। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दयाल पाठक। पाठक जी, ये जो टेकरी सरकार मंदिर पे हर वर्ष कन्या भोजन का आयोजन कराया जाता है, आज भी कन्या भोजन का आयोजन कराया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है और सनातनी जो धर्म पे अवलंबी लोग हैं वो इसमें सहयोग करते हैं। इसकी देखरेख टेकरी सरकार सेवा समिति के लोग करते हैं, जिनका नेतृत्व हमारे ये लघु भ्राता वीरेंद्र पाठक हैं। ये गत कई वर्षों से, करीब 30-35 सालों से टेकरी सरकार से जुड़े हैं। इनके साथ इनकी टीम है और जो भी टेकरी सरकार का विकास कार्य हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, इनके द्वारा जो है ये संपादित किए जाते हैं। सभी लोग इनके साथ खड़े होते हैं क्योंकि इनके कार्य प्रणाली को सबने देख लिया, परख लिया और हनुमान जी की कृपा से सब काम संपन्न होते हैं। आयोजन जो हुआ कन्या भोज, कितने गांव की कन्याओं ने भोजन? ये 27 गांव की कन्याएं भोजन है। अगले वर्ष 28 गांव की कन्याओं का होगा। निरंतर ये 12 बजे से कन्या भोज चल रहा है और करीब 9 बजे तक जो है, रात्रि के 9 बजे तक जो है कन्याओं के आगमन तक उनके स्वागत वंदन के लिए लोग खड़े हैं और कार्यक्रम संपादित होगा।